बुधवार रात करीब 9 बजे कन्नौज बाईपास पर कृषि उपज मंडी के सामने दो आयसर आपस में टकरा गई, जिसमें कई घायलों को विधायक आशीष शर्मा और नागरिकों की मदद से तत्काल निकालकर सिविल अस्पताल कन्नौज पहुंचाया गया। इनमें से करीब 5 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं विधायक शर्मा ने अपना फर्ज निभाते हुए पूरे समय सिविल अस्पताल मौजूद रहे और हर एक घायल का हाल जानते रहे। इसके बाद ही सिविल अस्पताल कन्नौज में पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस नहीं होने से विधायक शर्मा ने तत्काल आसपास क्षेत्र की एम्बुलेंस बुलवाकर सभी घायलों को इंदौर तक पहुंचाया। बीएमओ डॉक्टर लोकेश मीणा, डॉक्टर यादव और डॉक्टर राजकुमार बारवाल सहित सभी अस्पताल के स्टाफ ने हादसे में हुए घायलों का तत्परता से प्राथमिक उपचार किया। हादसे की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी शिव मूरत यादव दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बाईपास पर हादसे के कारण यातायात को नगर के प्रमुख मार्गों से चालू किया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।